फॉर्मेट एज टेबल सिंपल है, आपकी ये पूरी टेबल आप इसको किस तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हैं, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से कोई भी टेबल का स्टाइल चूज कर ले, बस ए ले लिया और ए रेंज है आपकी, ये रेंज यहाँ पे यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आपने पूरी टेबल अपनी बना दी, उस फॉर्मेट में आ गई टेबल और यहाँ पे आपके सामने ए आ गए इनके टॉप बार जिसके अंदर आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट बाय कलर, और आप किसी भी डेटा को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि दिलीप है ना, जो दिलीप गुप्ता, ये डेटा यहाँ से हट जाए तो ओके, देखिए वो दिलीप गुप्ता का डेटा यहाँ से गायब होगा, पर गायब नहीं हुआ हमेशा। अब आपको देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा दिया ना मैंने इस कॉलम पे, तो इस कॉलम पे फिल्टर बना हुआ है, इन कॉलम्स पे फिल्टर कोई नहीं लगाया हुआ है, पूरा डेटा आ रखा है, इसलिए इन कॉलम्स इन फील्ड पे कोई नहीं चेंजेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फिल्टर वापस ये दिलीप वाला डेटा अगर मैं वापस लाना चाहूँ, ओके कर दूँ, तो ये डेटा मेरा वापस आ जाएगा, ये देखिए कहीं डेटा डिलीट नहीं हुआ, वहीं था, बस हमने उसको शो करना बंद कर दिया। तो आप यहाँ से कोई भी फिल्टर, कोई भी डेटा चाहते हैं, मान लीजिए प्रिंट निकालना चाहते हो और मैं चाहता हूँ अर्पिता और अशोक का डेटा प्रिंट में ना आए, तो बस इनको यहाँ से हटा दो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, असेंडिंग में कर दिया, देखिए ए से लेके आर तक के आ गए, यहाँ से डिसेंडिंग कर दिया जेड टू ए, आर से ए, और सारा डेटा उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना टेबल अप्लाई करते हैं तो आपके सामने टेबल डिजाइन का कॉलम आ जाता है, यहाँ से आप कभी भी अपने टेबल के डिजाइन चेंज कर सकते हैं, ये देखिए टेबल का नाम आप यहां से रख सकते हैं, कुछ भी जैसे नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट, ये आपका नाम हो गया। रिसाइज टेबल, आप अपने साइज टेबल को साइज को चेंज कर सकते हैं, G7 तक है, देखिए अभी आपका क्या है A1 यानी ए जगह और G7 यानी ए वाला कॉर्नर, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने कर दिया G6 तक, ओके, तो नीचे वाला मेरा ये रो हट जाएगी, अब ये G6 तक, यहीं तक मेरी टेबल है, तो वो चीज हमने यहाँ रिसाइज कर दिया। आप हेडर रखना चाहते हैं, जो ऊपर वाली हेडर देखिए वो गायब हो गई, टोटल रो हमारी अलग से आ गई, एक टोटल की रो, बैंडेड रोस ये हट जाएंगी, जो बैंडेड हो रखी है, अल्टरनेटिव रो बैंडेड हो रखी है ना ये वाली, अगर आप ये हटाना चाहते तो ये हट जाएंगे ऐसे करके। लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, आप जिसको चेक कर देंगे वो आ जाएगा, नहीं तो हट जाएगा। फर्स्ट कॉलम ये देखिए ऐसा हो गया, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो गया, बैंडेड कॉलम्स ये आपके बैंडेड कॉलम्स बन गए, यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर ही सकते हैं कभी भी कोई। उसके बाद जो हमारी अगली चीज है टूल्स में, सबसे पहला है समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बनानी है तो आप इस पर क्लिक करें और जो भी रेंज है वो आ जाएगी, आपके टेबल का नाम आ गया पूरा, स्टूडेंट जो आपने S2 नाम रखा था वो टेबल आ गई, और अगर आपको इसी न्यू वर्कशीट में रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना चाहते हैं, मैं न्यू में रखना चाहता हूं तो दूसरी वर्कशीट में आ जाएगी यहाँ पे, ये देखिए आपकी पाइवट टेबल बन के आ गई। यहाँ पे आप जो भी कॉलम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐसे चूज कर करके आप अलग से रख सकते हैं, पाइवट टेबल का हम अलग से देखेंगे, ऐसे आप पाइवट टेबल बना सकते हैं इसकी बनी बनाई टेबल की, और इनको बहुत अच्छे से आप अपने पूरे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, किस कॉलम को किधर रखना है, किसको सम करना है वैल्यूज को, कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, प्रिंट निकालना है नहीं निकालना है, डेटा आपका सब वैसे ही रहेगा, बस आपको शो करने के अलग अलग तरीके हो जाएंगे। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, आप कोई डुप्लीकेट वैल्यूज अगर रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 9988 यहाँ लिख दिया, डुप्लीकेट का रूल लगा हुआ है पहले से, ये दो डुप्लीकेट वैल्यूज है रेंज में, अब मैं रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ और किस कॉलम में से सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट हो रखे हैं, मैंने अनसिलेक्ट कर दिया और मैं सिर्फ मोबाइल वाले में से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना चाहता हूँ तो ओके करूँगा, तो ये देखिए वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड और वो 988 वाला डिलीट हो गया यहाँ से रो, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आ गई वापस अर्पिता वाली, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज, आपका जो ये सबसे फर्स्ट आपकी जो हेडर रो है इसमें से ये हट जाएंगे फिल्टर्स वगैरह, तो कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे आप, यस, तो आपके वो हट गए फिल्टर वगैरह, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आ गए ये सारे। इंसर्ट स्लाइसर, आप स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं, किस कॉलम का स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम लिख दें, कोई भी, जैसे स्टूडेंट लिख दिया ओके, तो सारे स्टूडेंट्स के नाम आ गए हमारे। इस स्लाइसर को आप यहाँ रख सकते हैं आराम से और इस स्लाइसर को पूरा स्टाइल कर सकते हैं यहाँ से आराम से, इसका डिज़ाइन स्लाइसर का आपने चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके हाइट विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और इसको क्लिक करें स्लाइसर को, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दें स्लाइसर। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप अपनी टेबल को शेयर पॉइंट वगैरह पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, रिफ्रेश कर दीजिए टेबल, रिफ्रेश ऑल, सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा।
तो ये हमारा पूरा डिजाइन टैब था, हमने हर चीज देख ली। फर्स्ट बटन ये देखिए, फिल्टर बटन है ना जो ये वाले, वो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं फिल्टर बटन। टेबल का डिजाइन टैब पूरा देख लिया हमने। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने ना कर रखा हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे मेरे नए वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।